जिले हेडक्वार्टर्स पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब के कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास का इनकाद किया गया। इजलास की सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने की। इजलास में जिला भर के तमाम रेस्क्यू अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने बाबा नौलख हजारी रहमतुल्ला अलैह के मेले पर रेस्क्यू 1122 की जानब जारी करदा एमरजेंसी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उस्मान खान बाबा से। जी बिल्कुल, ज़िले हेडक्वार्टर्स पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 11 भाई ननकाना साहब की कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम परवार ने की। इजलास में ज़िला भर के तमाम रेस्क्यू अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने बाबा नौलख हजारी रहमतुल्ला अलैह के मेले पर रेस्क्यू 11 भाई की जानब से मुकम्मल कोर फराहम करने के हवाले से जारी करदा एमरजेंसी प्लान का तफसीली जायजा लिया और हतमी शक्ल दी। उन्होंने बताया कि बाबा नौलख हजारी रहमतुल्ला अलैह के मेले पर दरबार के दाखिले और खारजी रास्तों में एमरजेंसी व्हीकल्स मौजूद होंगी और अंदरूनी रास्तों पर मेडिकल पोस्टें मौजूद होंगी। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए 80 से ज़ायद रेस्क्यूज बीमार अफसरान हमा वक्त ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मजीद बरा बाबा नौलख हजारी रहमतुल्ला अलैह के मेले पर रेस्क्यूज की छुट्टियाँ भी महदूद कर दी गई हैं और ड्यूटी पर मामूर रेस्क्यूज को हदायत जारी की गई हैं कि मुमकिन हद तक बेहतर से बेहतर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की जाएँ। जी जी उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का।